Continuing our study on all that Jesus taught. हमारे विषय को हमारे अध्ययन को हम जारी रखेंगे वो सब जो यीशु ने सिखाया. This is based on Matthew 28, verse 20. ये मत्ती 28 उसके 20 वचन पर आधारित है. The neglected part of the Great Commission, as I call it. जैसे मैं कहता हूँ कि ये महान आज्ञा का नजरअंदाज किया हुआ हिस्सा है, अनदेखा किया हुआ हिस्सा है. Go therefore into all nations. Make disciples, baptize them, and teach them to do all that I have commanded you. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ. All that Jesus taught. वो सब जो यीशु ने सिखाया. And commanded. और जिसकी आज्ञा यीशु ने दी. It's our responsibility to teach that to those who claim. To have given their lives to Christ. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बातों को उन लोगों को सिखाएं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा है. We must satisfy the heart of the Lord by bringing people to obedience. हमें परमेश्वर के हृदय को तृप्त करना है, संतुष्ट करना है, लोगों को आज्ञाकारिता के स्तर तक लाकर. To all that Jesus commanded. वो सब जो यीशु ने सिखाया उसके प्रति आज्ञाकारिता. And there's very little of that being done today in Christendom. और आज मसीह जगत में इसके विषय में बहुत ही कम किया जाता है. And that is the reason why Christians have such a bad testimony, generally speaking. और इसीलिए आम तौर पर देखा जाए तो मसीहों की ऐसी बुरी गवाही है. That's the reason why there's so much of conflict and lack of love among Christians. और यही कारण है क्यों इतना संघर्ष पाया जाता है, इतने प्रेम की कमी पाई जाती है मसीहों के बीच. Why there's such a lack of humility. Among so many of God's servants. क्यों परमेश्वर के कई सेवकों के बीच भी नम्रता की कमी पाई जाती है? Why there's so much of sin and the love of money among God's people and even among God's servants? क्यों परमेश्वर के लोगों में और परमेश्वर के सेवकों में भी काफी पाप और पैसे का प्रेम पाया जाता है? Because all that Jesus commanded has not been taught diligently. क्योंकि By God's servants. क्योंकि परमेश्वर के सेवकों ने वो सब जो यीशु ने सिखाया उसको बड़ी मेहनत से नहीं सिखाया है, बड़े सावधानी से उन चीजों को नहीं सिखाया है. So this is what we are looking at in this series. और इसलिए इस श्रृंखला में हम अपने इसी चीज पर ध्यान कर रहे हैं. And we have already seen a number of things that Jesus commanded. और अभी तक हमने कई चीजों को देखा जिसकी आज्ञा यीशु ने दी. Beginning with the first words that Jesus spoke after his anointing and baptism. और हमने शुरुआत की थी यीशु मसीह के पहले शब्दों से जो उसने अपने अभिषेक और अपने बपतिस्मा के बाद कहे. And that is to the devil. In Matthew chapter 4, we looked at the importance of hearing God's word. और मत्ती चौथे अध्याय में हमने देखा कि जब यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया तो कैसे वहां हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने का महत्व. Continuously. निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनना. Matthew 4:4. मत्ती 4:4. The need to Compare scripture with scripture. और हमारी जरूरत है कि हम एक वचन की तुलना दूसरे वचन से करें. So that we are not deceived by the devil misquoting scripture. ताकि जब शैतान परमेश्वर के वचन का गलत हवाला देकर हमें बताता है, परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल करता है, तो हम धोखा नहीं खाएंगे. And not tempting God by foolishly claiming promises, expecting His protection. और हमें परमेश्वर को जांचना नहीं है, उसे परखना नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं लेनी है मूर्खतापूर्ण उसके वायदों पर दावा करके और उसकी सुरक्षा मांगने के द्वारा. मत्ती 4:7. And then learning to worship God in spirit. और उसके बाद आत्मा में परमेश्वर की आराधना करना सीखना. Matthew 4:10. मत्ती 4:10. Moving on from there. उससे आगे बढ़ते हुए. We read that John the Baptist, his primary message was, as described in Matthew 3:2, repent. For the kingdom of heaven is at hand. हम पढ़ते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसका प्राथमिक संदेश ये था जिसको हम मत्ती उसके तीसरे अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ते हैं. वो प्रमुख तौर पर प्रचार करता था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. He was the last of the prophets. सारे भविष्यद्वक्ताओं में वो आखिरी भविष्यद्वक्ता था. The nation of Israel. इसराइल के राष्ट्र के लिए. He was the forerunner. For Jesus Christ, वो यीशु मसीह के लिए एक अग्रदूत अग्रगामी था. Who was going to open up the way to a new covenant that God was making with man? जो एक नई वाचा के लिए मार्ग तैयार कर रहा था, जो नई वाचा परमेश्वर मनुष्य के साथ करने वाला था. Which would bring people of all nations into a relationship with God as their Father. जो सारे देश के लोगों को परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में लाता, जहां वो परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानते. And so
his message to the nation of Israel was repent. और इसलिए इसराइल के देश को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश था मन फिराओ. And repent means turn around. और मन फिराओ का मतलब है पीछे मुड़ना. The best definition of it could be from the military turn, military command about turn. सबसे अच्छी परिभाषा मन फिराओ की हमें मिलिट्री की या सेना के परेड से मिलती है, जहां वो कहते हैं पीछे मुड़. When a soldier is facing front, जब एक सैनिक सामने की ओर देखते हुए खड़ा है, and the sergeant major or havildar major in the parade ground says about turn, और वहां उसको सार्जेंट मेजर या हवलदार मेजर उसको आज्ञा देता है पीछे मुड़. He turns right around. वो तुरंत पीछे मुड़ जाता है. And he puts his back to the direction he was facing. और अपने पीठ को वो उस जगह लगाता है जहां उसकी जहां उसका पहले मुख था. And looks in the direction to which his back was facing formally. और पहले उसकी पीठ जिस दिशा में थी उसी दिशा की ओर वो मुड़ के उसी दिशा की ओर अपनी नजरों को लगाता है. That is the best definition of repent. ये सबसे अच्छी परिभाषा है मन फिराने की. To turn around. पीछे मुड़ना. And we have to turn around in our mind. और हमें अपने मन में पीछे मुड़ना है. In English, the word repent doesn't express it as clearly. In most languages, the translation of repent is not very clear. But और English में ये जो मन फिराने का शब्द है repent, वो बहुत साफ नहीं करता उसका अर्थ क्या है. और कई जो भाषाएं हैं उसमें भी इस ये शब्द सही अर्थ को नहीं बताता. In the Tamil language, it's very clear. Repent is manan thirumbal. That means the turning of the mind. पर तमिल भाषा में बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी भाषा में इस शब्द को बिल्कुल साफ लिखा गया है, मन फिराना, जिसका मतलब है हमारे मन को पीछे मोड़ना, हमारे मन को घुप फिराना. That's exactly what it means. यही उसका मतलब है. About turn of the mind. हमारे मन का पीछे मुड़ना. And that's what John the Baptist was telling. और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यही बता रहा था. The nation of Israel. इसराइल के देश को. See, the nation of Israel was promised a whole lot of earthly things. इसराइल का जो राष्ट्र था उसे बहुत सारी पृथ्वी की आशीषों का वायदा दिया गया था. Throughout the old covenant, संपूर्ण पुरानी वाचा में, there's no promise that they could partake of the divine nature. ऐसी कोई भी ऐसा अभिवचन नहीं था कि वो ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सा ले सकते हैं, उसमें सहभागी हो सकते हैं. There was no promise of treasure in heaven. कोई उन्हें वायदा नहीं था कि उनको स्वर्ग में एक खजाना मिलेगा ऐसा. There was no promise about a heavenly life on earth, etc. पृथ्वी पर ही एक स्वर्गीय जीवन अनुभव करने का उन्हें कोई अभिवचन नहीं मिला था. It was all earthly. वो सब कुछ उनके लिए पृथ्वी का ही था. They were promised material wealth and उनको जो भौतिक संपत्ति है उसका वायदा दिया गया था. Especially in Deuteronomy 28, it's very clear. और विशेषकर अगर हम व्यवस्था विवरण इसका 28 अध्याय पढ़े तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है. Material prosperity, भौतिक समृद्धि, physical health, शारीरिक स्वास्थ्य, number of children, बहुत सारे बच्चे, their business would be blessed, their उनके जो व्यवसाय है उन पर आशीष आएगा, farming would be blessed, their उनकी खेती बाड़ी पर आशीष आएगा, cattle would be blessed, उनके जो प्राणी थे जानवर थे उन पर आशीष थी. That was the job in those days of the Israelis. उन दिनों इसराइली लोगों के पास यही काम था, यही व्यवसाय था. And they would be very prosperous. They would और वे बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाते. Never be in debt. वे कभी कर्जदार नहीं बनते. And their earthly enemies would all be destroyed. और उनके जितने भी पृथ्वी के शत्रु थे वे सब नाश हो जाते. They'd be a great nation. And they would have a land. और वो एक बड़ा देश बनते और उनके पास अपनी जमीन होती, अपना एक देश होता, which was the land of Canaan, जो था कनान का देश, which was called Israel, जिसको इसराइल कहा गया. So all the blessings were earthly. और उनकी सारी आशीषें इस पृथ्वी की थी. And their face was completely set towards the things of earth. और उनका जो मुख था वो पूर्ण तौर पर इस पृथ्वी की चीजों पर ही लगा हुआ था. All the time. हर समय. And John the Baptist came along and said, turn around now. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने आकर कहा कि अब पीछे मुड़ो. About turn from this. Stop facing the things of earth. अपने मन को फिराओ, जो इन पृथ्वी के चीजों की ओर आप मुख लगाए हुए हो उससे पीछे मुड़ जाओ. And turn around because now a new kingdom is coming. और पीछे मुड़ो क्योंकि अब एक नया राज्य आने वाला है. That is the kingdom of heaven. वो है स्वर्ग का राज्य. Where earthly needs become secondary. जहां हमारी सांसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो दूसरे स्थान पर चली जाती है. Even physical health become secondary. हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी दूसरे स्थान का महत्व ले लेता है.
material prosperity becomes unimportant. हमारी सांसारिक जो समृद्धि है वो बिल्कुल गैर जरूरी बन जाती है. Because God provides us with material necessities. क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा. And turn around and now God's going to give you spiritual wealth. पीछे मुड़ो क्योंकि अब परमेश्वर आपको आत्मिक धन देने वाला है. Heavenly wealth. स्वर्गीय धन. God's going to give you spiritual children. परमेश्वर आपको आत्मिक बच्चे देगा. Not necessarily physical children. ये जरूरी नहीं कि आपको वो शारीरिक बच्चे देगा. And you'll have a spiritual heavenly land to possess. और आपके पास एक स्वर्गीय और आत्मिक देश होगा जिसमें आप हिस्सा ले सकते हो. Not an earthly land primarily. कोई आपको इस पृथ्वी की कोई जमीन देने का वायदा नहीं है. So turn around, he was telling them. इसलिए वो उन्हें बता रहा था कि पीछे मुड़ो. The kingdom of heaven has not yet come. क्योंकि स्वर्ग का राज्य अब तक नहीं आया है. It is near. वो निकट है. At hand. वो हाथ ही के दूरी पर है, ऐसा इंग्लिश में लिखा है. It was going to come. वो आने वाला था. On the day of Pentecost. पेंटिकॉस्ट के दिन. Now we read in Matthew 4 verse 12. हम मत्ती उसके चौथे अध्याय के 12वें वचन में पढ़ते हैं. That John was taken prisoner. कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया था. A Herod. हेरोद राजा के द्वारा. And when Jesus heard this, he withdrew from Galilee and he left Nazareth where he had grown up and lived for 30 years. और जब यीशु ने यह सुना तो वो गलील को चला गया और उसने नासरत को छोड़कर वो कफरनहूम में गया जहां वो 30 वर्षों तक जिस नगर में वो बड़ा हुआ था उसने छोड़कर वो दूसरी जगह गया. And he came and took a house in Capernaum. और उसने कफरनहूम में आकर एक घर लिया. Which is beside the sea. And then he began to preach from that moment onwards. जो झील के किनारे था वो शहर कफरनहूम का और उस समय से वो ये प्रचार करने लगा. Exactly the same message that John the Baptist had preached. और उसने वही संदेश वो प्रचार करना उसने जारी रखा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे रहा था. Repent, Matthew 4:17. For the kingdom of heaven is at hand. मत्ती 4:17. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है. John, as it were, had run the first leg of the relay race. मानो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक रिले रेस के पहले दौड़ को, वो जो बदल दौड़ होती है, रिले रेस होती है, उसके पहले हिस्से को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दौड़ चुका था. And handed over the baton to Jesus. और उसके बाद उसने जो बेटन था, जो वो छड़ी थी, उसने यीशु के हाथ में थमा दी. And he took it up. और फिर यीशु वो लेकर आगे दौड़ने लगा. And the same message. और उसी संदेश को. Repent. When Jesus ascended up into heaven, और वही संदेश जो मन फिराने का संदेश था, we read that the apostle Peter took up the baton then from Jesus' hand. जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो प्रेरित पत्रस था, उसने यीशु के हाथ से उस बेटन को लिया और उसी संदेश का प्रचार करने लगा. And preached the same message. और उसने वही संदेश प्रचार किया. Repent. मन फिराओ. Acts chapter 2 and verse 38. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन. He preached to the people on the day of Pentecost, repent and you'll receive the gift of the Holy Spirit. पेंटिकॉस्ट के दिन उसने लोगों से प्रचार करके कहा, मन फिराओ और तुम पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे. Which is the kingdom of God within us. और पवित्र आत्मा का दान मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर. Now it had come. अब वो आ चुका था. John the Baptist and Jesus had only said it was going to come. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु ने केवल ये कहा था कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है, वो निकट है. It's at hand, it's near. वो हमारे हाथ ही के दूरी पर है, वो निकट है. Once Jesus said the kingdom of God is in your midst, referring to the fact that in Christ the kingdom of God was already present. एक बार यीशु मसीह ने कहा था कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, जिसका मतलब था कि यीशु मसीह में स्वर्ग का राज्य उस समय भी पृथ्वी पर आ चुका था. But it wasn't present in the people around him. पर उसके आसपास के लोगों में स्वर्ग का राज्य नहीं आया था. That would happen only on the day of Pentecost. वो केवल पेंटिकॉस्ट के दिन होने वाला था. When those 120 who were waiting for the baptism in the Holy Spirit. जब वो 120 जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का इंतजार किए हुए थे. And the Spirit of God came and filled them. और पवित्र आत्मा आया और उन्हें भर दिया. The kingdom of God came within them. स्वर्ग का राज्य उनके अंदर आ गया. And then that is the kingdom they proclaimed, the kingdom of heaven, the kingdom of God. और फिर उस राज्य की वो घोषणा करने लगे, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य. Which is not physical healing. जो शारीरिक चंगाई नहीं है. It's not material prosperity. वो भौतिक या सांसारिक समृद्धि नहीं है. As unfortunately is being preached
by a lot of Christian preachers today. जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कई मसीही प्रचारक ऐसा ही प्रचार करते हैं इन दिनों. That is a deception. वो एक धोखा है. Let me tell you plainly. मैं आपको सीधा-सीधा वो बताना चाहता हूँ. That is not the kingdom of God. वो स्वर्ग का राज्य, वो परमेश्वर का राज्य नहीं है. The kingdom of God we read in Romans 14 and verse 17. What Matthew calls the kingdom of heaven is called the kingdom of God in the other gospels. परमेश्वर का राज्य क्या है इसको हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 17 वचन में. और जिस चीज को मत्ती स्वर्ग का राज्य कहता है दूसरे सुसमाचार उसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं. For example, when John the Baptist preached that the kingdom of heaven is at hand, the same thing is quoted in the other gospels as John the Baptist preaching in the kingdom of God is at hand. Mark chapter 1 verse 15. उदाहरण के तौर पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसी घटना को जब अन्य सुसमाचारों में लिखा गया है तो वहां लिखा है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. उदाहरण के लिए आप देख सकते हो मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 15 वचन. You compare Mark chapter 1 verse 15 where John the Baptist is quoted as saying the kingdom of God is at hand. And so repent. और अगर आप इसकी तुलना मरकुस 1:15 से करके देखो जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है मन फिराओ. With Matthew chapter 3 and verse 2 where he says repent for the kingdom of heaven is at hand. अगर आप इसी की तुलना मत्ती उसके तीसरे अध्याय के दूसरे वचन में करो जहां वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. And it becomes clear as crystal that the kingdom of heaven and the kingdom of God are the same thing. ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य एक ही है. Though some Christians try to make a distinction between them. यद्यपि कुछ मसीही इन दोनों के बीच एक अंतर है ऐसा बताते हैं. Because they haven't studied the scripture properly. क्योंकि उन्होंने सही से परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं किया है. So the kingdom of God is the kingdom of heaven. और इसलिए परमेश्वर का राज्य वही स्वर्ग का राज्य है. Is it? और वो स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य राज्य क्या है? In Romans 14 and verse 17. रोमियो 14 उसके 17 वचन में. It says the kingdom of God is not eating. And drinking. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है. It's not anything earthly. वो बिल्कुल भी सांसारिक या इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं है. It's not prosperity. It's not healing. वो ना ही समृद्धि है ना ही चंगाई है. It's not earthly blessing at all. वो सांसारिक आशीष बिल्कुल भी नहीं है. Kingdom of God is the kingdom of heaven. परमेश्वर का राज्य ये स्वर्ग का राज्य है. And it's primarily righteousness. और वो प्राथमिक तौर पर है धर्म या धार्मिकता. The righteousness of God himself. स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता. First imputed to us when we receive Christ as our Savior and Lord. सबसे पहले जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के तौर पर स्वीकार करते हैं तब वो धार्मिकता हमारे नाम पर दी जाती है. मानो हम हमारे खाते में वो दे दी जाती है. हम उस परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं. And then imparted to us from within by the Holy Spirit. और उसके बाद हमारे अंदर से पवित्र आत्मा वो धार्मिकता हमें प्रदान करने लगता है. Where the righteousness of God becomes manifest in our life. जहां परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है. And peace, an inward peace primarily. और शांति सबसे पहले प्राथमिक तौर पर एक अंदरूनी शांति. Given by the Holy Spirit, freedom from anxiety. जो पवित्र आत्मा हमें देता है जिसे हम चिंता से वो हमें स्वतंत्रता देता है. Fear, tension. डर से दबाव से वो हमें स्वतंत्रता देता है. Discouragement, gloom, bad. निराशा मायूसी जो बुरे मूड्स या बुरे मिजाज है उनसे वो हमें स्वतंत्र करता है. And an outward peace with all men, और एक बाहरी शांति सारे मनुष्यों के साथ. Where we refuse to fight with people, जहां हम लोगों से झगड़ा करने मना कर उससे बिल्कुल इनकार कर देते हैं. For anything. किसी भी कारणवश. And और joy, आनंद. Inward joy that delivers us completely. From discouragement and depression. एक अंदरूनी आनंद जो हमें पूर्ण तौर पर सारी निराशा डिप्रेशन और मायूसी से छुटकारा देता है. In the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में आनंद. So this is the kingdom of God. और इसलिए ये है स्वर्ग का राज्य. It's an inward thing. वो एक अंदरूनी चीज है. Kingdom of God is within us. स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है. It's the life of Christ. वो है मसीह का जीवन. Coming within through the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर हमारे भीतर आता है. This is the kingdom of God. ये है परमेश्वर का राज्य. This is the kingdom of heaven. ये है स्वर्ग का राज्य. It's the life of heaven. वो है स्वर्ग का जीवन. Here on this earth. इस पृथ्वी पर ही. Inside our hearts. हमारे हृदय के अंदर.
And that's what Jesus was preaching. It's the very first message he preached. और यही प्रचार यीशु कर रहा था. ये पहला संदेश था जो यीशु ने प्रचार किया. Repent. मन फिराओ. In the Matthew's Gospel, that's what we read as the very first thing that he preached. Repent. For the kingdom of heaven or the kingdom of God is near. और मत्ती रचित सुसमाचार में यही हम पढ़ते हैं कि यीशु ने यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य अर्थात परमेश्वर का राज्य निकट है. And this is what has already come on the day of Pentecost and that we should be now proclaiming as not as something that is near but something that's already come. और ये वो था जो पेंटिकॉस्ट के दिन आ गया. स्वर्ग का राज्य आ गया और इसलिए आज हमें ये प्रचार नहीं करना है कि स्वर्ग का राज्य कुछ आने वाला है बल्कि हमें ये प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है. In fact, Jesus made that clear in Mark's Gospel. In the Gospel of Mark, when Jesus was speaking, और यीशु ने खुद इस बात को स्पष्ट किया था मरकुस रचित सुसमाचार में जब यीशु प्रचार कर रहा था बात कर रहा था. To some of the people, he said to them in Mark chapter 9 and verse 1. जब यीशु कुछ लोगों से उस समय बात कर रहा था तो मरकुस उसके 9वें अध्याय के पहले वचन में यीशु ने कहा. He said to the people standing in front of him, "Truly I say to you, there are some of those who are standing here, not all, but some." उसने कुछ उसके सामने जो लोग खड़े थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं, सब नहीं, बल्कि उनमें से कुछ लोग, who will not die until they see the kingdom of God come with power. कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले, तब तक उनकी मृत्यु न होगी. So some of you standing here, he said, would die. और यीशु ने कहा कि यहाँ जो आप लोग खड़े हैं, उनमें से कुछ लोगों की तो मृत्यु हो जाएगी. Before that day. उस दिन के पहले. But there are some standing here who will not die. पर आप में से कुछ यहाँ खड़े हो जिनकी मृत्यु नहीं होगी. There were old people there. वहाँ वृद्ध लोग भी थे. And younger people there. और जवान लोग भी थे. And he was saying that some of you will not die till you see the kingdom of God come with power. और यीशु कह रहा था कि आप में से कुछ लोग की मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक आप स्वर्ग के राज्य को परमेश्वर के राज्य को सामर्थ से आते हुए न देख लो. Now obviously that's not referring to the second coming of Christ. अब ये बिल्कुल साफ है कि ये मसीह के दूसरे आगमन के विषय में नहीं है. When the glory of God will cover the earth as the waters cover the sea. जब परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर इस प्रकार होगी जैसे पानी जैसे समुद्र इस पृथ्वी को पृथ्वी पर है. No, that day is in the future. नहीं, वो दिन तो भविष्य में आने वाला है. And there's nobody who heard Jesus speak there who's alive today. और उन दिनों जिसने परमेश्वर को यीशु मसीह को ये कहते हुए सुना, उनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है. So he's not referring to that. और इसलिए यीशु मसीह उस विषय में नहीं कह रहा उसके दूसरे आगमन के बारे में. He's referring to something else. वो किसी और घटना के विषय में बता रहा है. That would happen in the lifetime of some of those people standing in front of him. यीशु कह रहा था एक ऐसी घटना जो उन्हीं के जीवन काल में होगी उन लोगों के जो उसके सामने खड़े थे. When they would see the kingdom of God. जब वे स्वयं परमेश्वर के राज्य को देखेंगे. Which they hadn't seen till now. जो उन्होंने आज तक नहीं देखा था. Till then. उस समय तक उन्होंने नहीं देखा था. Which no one on earth had seen till then. उस समय तक पृथ्वी पर किसी ने उसे नहीं देखा था. When did that kingdom of God that Jesus referred to here come with power? वो स्वर्ग का राज्य जिसके बारे में यीशु ने यहाँ कहा, वो कब आया सामर्थ से? The answer is in that word power. उत्तर हमें मिलता है उस शब्द में जो यीशु ने कहा, सामर्थ सहित, सामर्थ. Jesus used that word power again. Before he ascended into heaven. यीशु ने उसी शब्द सामर्थ का इस्तेमाल फिर एक बार किया स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले. He told his disciples in Acts chapter 1. उसने अपने शिष्यों से प्रेरितों के काम पहले अध्याय में कहा. And verse 8. आठवां वचन. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. प्रेरितों 1:8. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. And 10 days later, we read they did receive that power. And that was the fulfillment of Mark 9 verse 1. और 10 दिन बाद हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उस सामर्थ को पाया और वही उसी वचन में वो पूरा हो गया जो मरकुस 9वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है. Some of the people who heard Jesus had died before the day of Pentecost. कुछ लोग जिन्होंने यीशु को उस दिन बात करते हुए सुना, पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी. But some others who were standing there were alive. पर कुछ और लोग जो वहां खड़े थे वे तब भी जीवित थे. When the kingdom of God had come to earth on the day of Pentecost. जब स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर पेंटिकॉस्ट के दिन आया. So when we compare scripture with scripture. और इसलिए जब हम वचन की तुलना वचन से करते हैं तब. We find this is the kingdom of God that we are to proclaim. हम देखते हैं कि ये है परमेश्वर का राज्य जिसकी घोषणा हमें करनी है. And Jesus said especially in relation to the last days. और यीशु ने विशेषकर अंतिम दिनों के बारे में ये कहा.
In Matthew 24, मत्ती उसके 24 अध्याय में, in when the disciples asked him about the second coming, जब शिष्यों ने यीशु से दूसरे आगमन के विषय में पूछा, he said one of the things he said was in Matthew 24 and verse 14. एक चीज जो उसने कही वो है मत्ती उसके 24 अध्याय के 14 वचन में. The question they asked was, when will these things be? What? और जो प्रश्न ये शिष्यों ने पूछा था वो ये था कि ये सब कब होगा? Be the sign of your coming and तेरे end of the age. तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? 24 verse 3. मत्ती 24 अध्याय उसका तीसरा वचन. And he said many things and one of the things he said was in verse 14. और इसके उत्तर में यीशु ने कई चीजें कही पर एक चीज जो उसने कही वो 14 वचन में पाई जाती है. Matthew 24. मत्ती 24:14. This gospel of the kingdom. और राज्य का यह सुसमाचार. What is this gospel of the kingdom? ये राज्य का सुसमाचार क्या है? Now many of us have heard a gospel of the forgiveness of our past sins. अब हम में से कईयों ने हमारे अतीत के पापों की क्षमा का सुसमाचार सुना है. Praise God for that. उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो. What about this gospel of the kingdom of heaven? स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का क्या? The kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का क्या? On earth. पृथ्वी पर people's hearts. लोगों के हृदयों में. The kingdom of heaven, heaven coming and dwelling in people's hearts. स्वर्ग का राज्य अर्थात स्वर्ग आकर लोगों के हृदय में बसता है. This is going to be preached in the whole world. ये संपूर्ण संसार में प्रचार किया जाएगा. Not that the whole world will receive it. ये नहीं कि सारा जगत उसे स्वीकार करेगा. Very few will probably receive it. शायद बहुत ही कम लोग उनमें से उसे स्वीकार करेंगे. Maybe only 1 or 2%. शायद केवल 1 या 2% लोग केवल. But it'll be preached for a witness. पर वो एक गवाही के तौर पर प्रचार किया जाएगा. To all the nations. सब जातियों अर्थात सब देशों के लिए. And then the end will come. और तब अंत आ जाएगा. I'm greatly encouraged by that. मैं इससे बहुत प्रोत्साहित होता हूँ. That before Christ comes, there's going to be a proclamation of this gospel of the kingdom. कि जिससे पहले यीशु मसीह के आने से पहले इस राज्य के सुसमाचार की घोषणा की जाने वाली है. What is that? We saw in Romans 14:17. और वो क्या है? हमने देखा रोमियो 14:17 में. A gospel of righteousness in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में धार्मिकता का सुसमाचार. Peace in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में शांति. Joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में आनंद. There are very few proclaiming it. बहुत ही कम लोग हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं. Most people are still proclaiming only the forgiveness of sins. अधिकतर लोग केवल यही प्रचार कर रहे हैं पापों के क्षमा के विषय में. Which is a very good first step. जो एक बहुत ही अच्छा पहला कदम है. To me, it's like the cleaning of the cup. मेरे लिए वो बिल्कुल एक प्याला साफ करने के समान है. If my little boy comes to me and says, "Daddy, can you give me a glass of milk?" अगर मेरा छोटा लड़का मेरे पास आकर कहे कि पापा क्या आप मुझे एक ग्लास दूध दोगे? And he gives me a dirty cup. और वो मुझे गंदा कप, गंदा प्याला मेरे हाथ में देता है तो? A picture of our hearts. जो हमारे हृदय का एक चित्र है. What I do first is clean the cup. सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं उस कप को, उस प्याले को साफ करूँगा. I wouldn't pour milk into that dirty cup. मैं उस गंदे कप में बिल्कुल भी दूध नहीं दूंगा. I would take that cup and clean it thoroughly. सबसे पहले तो उस कप, उस प्याले को लेकर मैं बहुत अच्छे से उसे मांजूंगा, उसे साफ करूंगा. And then, what's the purpose of that? और फिर जब मैंने उसे साफ किया तो उसका क्या उद्देश्य था? I don't give him an empty cup after that. उसके बाद कोई मैं उसे खाली प्याला, खाली कप नहीं देता. I fill it with milk. मैं उसे दूध से भर देता हूँ. And then give it to him. और फिर मैं उसे दूंगा. So when we come to Christ, और इसलिए जब हम मसीह के पास आते हैं, first thing he does is clean up our heart. जो पहली चीज मसीह हमारे लिए करता है वो है हमारे हृदय को वो साफ करता है, शुद्ध करता है. Like clean the inside of the cup. बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कप के अंदर को हम साफ करते हैं. And does he leave it like that? और क्या वो उसे वैसा ही छोड़ देता है? No. नहीं. He fills it with what? वो उसे भर देता है किस चीज से? With the righteousness of God. परमेश्वर के धार्मिकता से. The peace of God. परमेश्वर के शांति से. And the joy of God. और परमेश्वर के आनंद से. Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा. This is the gospel. ये है सुसमाचार. And if we only offer the truth that Christ will clean up the heart. और अगर हम केवल लोगों को यही सत्य बताएं कि मसीह आपके हृदय के अंदरूनी हिस्से को साफ करेगा केवल. Cup. We are offering people an empty cup. अगर हम लोगों को यही बताएं कि प्रभु आपके कप को अंदर से साफ करेगा, फिर हम लोगों को एक खाली कप दे रहे हैं केवल. And that's why so many Christians are thirsty. और इसीलिए कई मसीही जो है वो प्यासे हैं. They are not satisfied. वे तृप्त या संतुष्ट नहीं है. Because they are going around with this empty cup which may be clean. क्योंकि वो यहाँ वहाँ अपने खाली कप को लिए जाते हैं, शायद जो साफ हो गया है. But it's empty. पर वो खाली है.
What's he use giving my son an empty cup that's clean? मेरे बेटे को एक साफ कप देना जो खाली है उससे क्या फायदा? Saying son, you gave me a dirty cup. Here it is clean. और अगर मैं अपने लड़के से कहूँ कि देखो बेटा, तुमने मुझे गंदा कप दिया, अब मैंने तुम्हें साफ करके उसे लौटाया. Is that all God gives us? That'll be frustrating. क्या परमेश्वर हमें केवल इतना ही देगा? नहीं, ये तो बहुत ही कम हुआ. ये इससे तो हम असंतुष्ट रहेंगे. My son will say, hey, dad, I wanted some milk. मेरा बेटा मुझसे कहेगा कि पिताजी, मैं तो दूध चाहता था. Do you hunger and thirst for righteousness? क्या आप इस प्रकार धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हो? The trouble is that a lot of Christians are not hungering and thirsting for righteousness. और समस्या ये है कि अधिकतर मसीही जो है वो धार्मिकता की भूख और प्यास नहीं रखते. And that's why they go around with a clean empty cup. और इसी वजह से वो एक साफ पर न भरे हुए साफ और खाली प्याले को लेकर घूमते हैं. Do you know the difference between the old covenant and the new covenant? क्या आप जानते हो पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच अंतर क्या है? Can be pictured like this, the gift of the Holy Spirit. उसका इस प्रकार से एक उदाहरण या एक चित्रण किया जा सकता है, पवित्र आत्मा का वरदान. Who brings the kingdom of God to earth? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाता है. And that is, if you think of a cup that's placed upside down. और वो इस प्रकार है, अगर आप एक कप के विषय में सोचो जो उल्टा रखा हुआ है on a table, किसी मेज पर, and you pour water on that from a jug, you pour water on it, a picture of the outpouring of the Holy Spirit, और किसी और पात्र को लेकर आप अगर उस कप पर पानी उंडेलने लगो तो जो पवित्र आत्मा को उंडेलने का एक चित्र है. This is how it was in the Old Testament times. पुराने नियम के समय बिल्कुल ऐसा ही होता था. The water flowed. The Holy Spirit was upon people. पानी बहता था, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर होता था. And flowed out around them and blessed probably thousands and millions of people. और उनके ऊपर से बहकर जाकर शायद वो लाखों करोड़ों लोगों को आशीषित करता था. There were 2 million people in the wilderness whom Moses, the anointed servant of God, led. जंगल में 2 लाख से ज्यादा लोग थे जिनको मूसा, जो परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक था, जिसने उन्हें मार्गदर्शन किया, उनकी अगुवाई की. But the inside of Moses' heart was dirty. He couldn't overcome anger. पर मूसा के हृदय का अंदरूनी जो हिस्सा था वो गंदा था. वो गुस्से पर विजय नहीं पा सका. But so angry once he broke the tablets of stone. वो एक बार इतना क्रोधित हो गया कि उसने वो जो पत्थर की पटरियां थी उसे तोड़ दिया. Which God had written with his own hands. जिस पर परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था. You know what the new equivalent of that today would be? It'd be like tearing the Bible. क्या आप जानते हो आज के दिनों में उसके समान घटना क्या होगी? मानो हम बाइबल को फाड़ देते हैं. That's what Moses did. मूसा ने वही किया था. God's word, he had gotten his hands, he broke it. परमेश्वर का वचन जो उसके हाथ में था, उसने उसे तोड़ दिया. It's like tearing the Bible today. Imagine a man getting so angry and tearing the Bible. ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज कोई बाइबल को फाड़ देता है. कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति इतना क्रोधित होता है कि वो बाइबल को ही फाड़ देता है. Whatever may provoke you to anger, you shouldn't tear the Bible. आपको चाहे कितने भी ज्यादा उकसाया क्यों ना जाए गुस्सा होने के लिए, आपको बाइबल को नहीं फाड़ना चाहिए. But Moses did it. पर मूसा ने वो किया. Because the inside of his cup was dirty. क्योंकि उसके कप, उसके प्याले का अंदरूनी भाग गंदा था. But the blessing flowed from him. पर उससे आशीष तो बही. To bless multitudes. और उससे आशीष बहकर कई लोगों को आशीष मिली. David was an anointed person. दाऊद भी एक अभिषिक्त व्यक्ति था. But the inside of his cup was dirty. पर उसके कप का अंदरूनी भाग भी गंदा था. He could kill Goliath. वो गोलियत को मार सकता था. But when he saw Bathsheba, he fell into sin. पर जब उसने बच्चीबा को देखा तो वो पाप में गिर गया. The inside of his cup had adultery. क्योंकि उसके प्याले के अंदर व्यभिचार था. It was like that with Samson and Gideon and so many other people in the Old Testament. बिल्कुल ऐसा ही था शमशोन के साथ, गिदोन के साथ और पुराने नियम के कई लोगों के साथ. The Spirit of God was upon them. पवित्र परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर था. Even the great John the Baptist. जो महान योहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके साथ भी. Spirit of God was upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर था. From his mother's womb. उसके माँ के गर्भ के समय से. But when he was in prison, he had doubt. जब वो बंदीगृह में था, उसने संदेह करना शुरू किया. And about Christ. मसीह के बारे में संदेह किया. Are you really the Messiah? Even though he'd heard a voice from heaven. क्या तू वाकई में मसीहा है? यद्यपि उसने स्वर्ग से एक आवाज सुनी थी. He had unbelief. उसके पास अविश्वास था. Because the inside of his cup was not filled with faith. क्योंकि उसके प्याले का अंदरूनी भाग विश्वास से नहीं भरा था. But on the day of Pentecost, पर पिंटेकोस्ट के दिन, what the Lord did was he turned this cup right side up. प्रभु ने ये किया कि उसने इस प्याले को उल्टा या सही दिशा में घुमा दिया. And poured the Holy Spirit inside the cup. और फिर पवित्र आत्मा को उस कप के अंदर उंडेला. The heart. हृदय के अंदर उंडेला. And then it would overflow
and bless people like in the Old Testament and much more than the Old Testament. और फिर उस प्याले को, उस कप को भरने के बाद जब वो उमड़ता था और फिर वो बहने लगता था, उसके बाद भी वो बहकर लोगों को आशीष देता था और पुराने नियम में जितनी आशीष मिली उससे ज्यादा आशीष मिलती थी. But it would be from the innermost being. पर अब जो वो आशीष थी वो बिल्कुल हृदय के भीतर से, अंदर से आने वाली आशीष थी. And that is the kingdom of God flowing out from within us. और वो है स्वर्ग का राज्य जो हमारे अंदर से निकलकर बहता है. This is the kingdom that Jesus prophesied would come on the day of Pentecost. और यही राज्य है जिसकी भविष्यवाणी यीशु ने की कि वो पिंटेकोस्ट के दिन आएगा. That's why Jesus said in the last day of the great feast. और इसलिए पर्व के अंतिम दिन पर यीशु ने कहा. In Jerusalem, in John 7. यरूशलेम में, योहन्ना उसके सातवें अध्याय में. And verse 38, he said. योहन्ना 7 उसके 38 वचन में यीशु ने कहा. As the scripture has said, from his innermost being. Will flow rivers of living water. That जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से, इंग्लिश में लिखा है, उनके हृदय के अंदरूनी हिस्से से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. Not happen. That could not happen before the day of Pentecost. वो तब तक नहीं हुआ था, वो तब तक हो ही नहीं सकता था जब तक पेंटिकॉस्ट का दिन ना आया. That's why it says in John 7:39, this he was referring to the Holy Spirit, who those who believed in him were not received, for the Holy Spirit was not yet given. इसलिए योहन्ना 7:39 में लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वालों वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था. That means not given in this way. जिसका मतलब है पवित्र आत्मा अब तक इस प्रकार से न उतरा था. Till Jesus was glorified. जब तक यीशु को महिमा में न पहुंचाया गया. Christ had to die. मसीह को मरना आवश्यक था. And rise again. और फिर जी उठना. And present his blood before the Father. और पिता के सामने अपने लहू को प्रस्तुत करना जरूरी था. Only then could the hearts of men be cleansed. केवल उसके बाद ही मनुष्यों के हृदय शुद्ध हो सकते थे. In the Old Testament, people's hearts were not cleansed. पुराने नियम में लोगों के जो हृदय थे वो साफ या शुद्ध नहीं होते थे. Psalm 32:1 says their sins were covered. They were forgiven. Psalm 103, verse 2 and 3. भजन संहिता 32 अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि उनके पाप जो है वो ढक दिए जाते थे, और भजन संहिता 103 कहता है कि उनके पाप क्षमा होते थे. But their hearts were not cleansed. पर उनके हृदय शुद्ध नहीं हुए थे. Today my sins are not covered. आज मेरे जो पाप है वो ढके हुए नहीं है. But cleansed. बल्कि वो शुद्ध किए गए हैं. If your sin is only covered, it's like putting a sheet over our sins. देखिए, अगर आपका पाप केवल ढक दिया गया है, तो वो ऐसा है मानो हमारे पापों पर कोई आप एक कपड़ा रख दो. You can lift up the sheet and still see your sins. अगर आप उस कपड़े को उठाओ, तो उसके नीचे अब भी आपका पाप दिखेगा. The blood of bulls and goats could never cleanse people's hearts. बैल और बकरियों का जो लहू है, वो कभी भी लोगों के हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता था. And that's why God could not put the Spirit within people. The kingdom of God could not come. Within people. और इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को लोगों के अंदर नहीं डाल सकता था. पवित्र आत्मा लोगों के अंदर नहीं आ सकता था. In Old Testament time. पुराने नियम के समय में. But now. पर अब. That Christ has shed His blood. अब जो मसीह ने अपने लहू को बहाया है. And ascended to the Father. और वो पिता की ओर चले उठा लिया गया है. Every sin of ours can be cleansed if we confess it to the Lord. हमारा प्रत्येक पाप क्षमा हो सकता है अगर हम प्रभु के सामने उसे अंगीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं तो. Sin that is not confessed will not be forgiven. People. पाप जिसका अंगीकार नहीं किया जाता, जिसको कबूल नहीं किया जाता, वो क्षमा नहीं हो सकता. Ask me, what is the sin that cannot be forgiven? I say the sin that you don't confess. लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कौन सा पाप है जिसकी क्षमा नहीं मिल सकती. मैं कहता हूँ वो पाप जिसको आप कबूल नहीं करते, जिसको मानते नहीं. Whatever sin you don't repent of and you don't confess will never be forgiven. जो कोई पाप जिससे आप मन ना फिराओ, जिसके विषय से जिसको आप कबूल ना करो, उसकी क्षमा आपको नहीं मिलेगी. But if you repent and confess, every sin can be cleansed in the blood of Christ, however great it may be. पर अगर आप पाप करते हो और उस मन फिराकर उस पाप को मान लेते हो, तो चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, उसकी क्षमा होगी. So God turns the cup right side up. और जब परमेश्वर उस कप को उल्टा करता है, उसको सही दिशा में घुमाता है, and cleanses us in the और जब वो हमें शुद्ध करता है, Christ, and pours the Holy Spirit within us first. और मसीह के लहू से हमें शुद्ध करके पवित्र आत्मा को हमारे अंदर वो उंडेलता है, so that it strengthens us, ताकि वो हमें सामर्थ देता है, to do God's will, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके, and then it flows out from us, और फिर वो हमसे बहकर बाहर निकलता है, to be in words and actions, हमारे शब्दों में, हमारे कामों के द्वारा,
so that we can lead other people also to do God's will. ताकि हम दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन करें, उन्हें उनकी अगुवाई कर सके कि वे प्रभु की इच्छा पूरी करें। Like we've done it first. जैसे पहले हमने स्वयं पूरी की है। So it flows from our innermost being. और इसलिए हमारे हृदय के अंदर से वो बहता है। If it doesn't flow from the innermost being, अगर वो हमारे हृदय के अंदर से नहीं बह रहा तो It's an old covenant type of ministry. फिर वो पुरानी वाचा की सेवकाई हो गई। And in order to come to this life, और इस जीवन में प्रवेश करने के लिए, the first step, as we read in Jesus' words, पहला कदम जैसे हम यीशु के शब्दों में पढ़ते हैं, all that Jesus taught, वो सब जो यीशु ने सिखाया, is in Matthew 4:17, repent is the first word. वो है मत्ती 4:17, मन फिराओ, वो है पहला शब्द। Turn around. पीछे मुड़ो। Turn around from your seeking for the things of earth. इस संसार के चीजों की खोज करने से पीछे मुड़ो। Turn around in our case not only that from sin. हमारी घटना में केवल संसार की चीजों की खोज करने से ही नहीं बल्कि पाप से पीछे मुड़ो। We don't have to overcome sin. हमें पाप पर विजय नहीं पाना। Before we receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले हमें पाप पर विजय पाना है, ऐसा नहीं है। The Holy Spirit comes in to help us to overcome sin. पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है हमारी सहायता करने के लिए कि हम पाप पर विजय पाए। So we don't put the cart before the horse. और इसलिए हम घोड़े के पहले गाड़ी को नहीं रखते। The horse is in front of the cart. I can't. गाड़ी के सामने घोड़ा होता है। And give up sin and then say, Lord, give me the Holy Spirit. और हम ये नहीं कह सकते कि पहले मैं पाप को त्याग दूंगा और फिर प्रभु से कहूंगा कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। I say, Lord, I need the Holy Spirit to be able to overcome sin. मैं कहता हूं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है पाप पर विजय पाने के लिए। But I can turn around from sin. पर मैं पाप से पीछे मुड़ सकता हूं। That means my attitude. इसका मतलब मेरे रवैये से is one of giving up sin. मेरा रवैया, मेरा दृष्टिकोण वो है कि मैं पाप को छोड़ना चाहता हूं। That's all that God's asking you. परमेश्वर हमसे बस यही मांग रहा है। Do you have an attitude where you want to give up every single thing that's dishonoring to God in your life? क्या आपके अंदर ये रवैया है कि आप हर उस चीज को त्यागना चाहते हो जो आपके जीवन में परमेश्वर के नाम को अपमानित करती है, परमेश्वर के नाम को अनादर लाती है? It may take you some years before you actually overcome them. उन पापों पर विजय पाने के लिए शायद आपको कुछ वर्ष लग जाए। It doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। Make sure your attitude is always one of repentance. ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका रवैया निरंतर मन फिराव का रवैया है। Turned around. जब आप पीछे मुड़ चुके हो। From my old way of life. मेरे पुराने जीवन शैली से मैं पीछे मुड़ चुका हूँ। It's through repentance and faith in Christ that we come to the starting line of the Christian race. मन फिराव और विश्वास के द्वारा हम हमारे मसीही जीवन के दौड़ के शुरुआती चरम पर आ जाते हैं। Hebrews 12 verse 1 and 2 says the Christian life is like a race. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला दो वचन हमें बताते हैं कि मसीही जीवन एक दौड़ के समान है। And I can come to the starting line only if I've repented. और मैं उस शुरुआती जगह पर तभी आ सकता हूं जब मैंने मन फिराया है। Message of repentance and turning around from sin is the message that's lacking in Christendom today. मन फिराव का और पाप से मन फिराने का जो संदेश है, ये एक संदेश है जो आज गायब है, जिसकी कमी है मसीह जगत में। How many gospel messages do you hear on repentance? How many songs? Look at your hymn book, for example. कितने सुसमाचार के संदेश आपने सुने हैं मन फिराव के विषय में? आपके गीतों को देखिए। अगर आप आपके गीत के पुस्तक को देखोगे तो hymn book and see how many songs there are of repentance in those hymn books. किसी भी गीत के किताब को उठाकर देख लीजिए, कितने गाने हैं मन फिराने के विषय में उनमें? Hardly any. शायद ही कोई गाना है। You'll find a lot of songs about believe, 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 believe. For example, आपको बहुत सारे गाने मिल जाएंगे, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। Example is a well-known song, "To God be the glory, great things He has done." उदाहरण के तौर पर इंग्लिश में एक जाना माना गीत है जिसका नाम है परमेश्वर को महिमा हो, उसने हमारे लिए महान काम किए हैं। And one of the lines in that song says, और उस गाने में एक पंक्ति इस प्रकार है, "The vilest offender who truly believes." सबसे नीच, सबसे बुरा अपराधी या पापी जो सच्चाई से विश्वास करता है, that moment from Jesus a pardon receives. उसी क्षण वो यीशु से क्षमा प्राप्त करता है। I disagree with it. मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। Supposing there is a man attending a meeting. सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति है जो उस सभा में हिस्सा ले रहा है। A complete wretched sinner who doesn't know anything about the gospel. एक बहुत ही बुरा, बदतर पापी जो सुसमाचार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। And he comes there and listens to that song. और वो वहाँ आकर उस गीत को सुनता है। The vilest offender. He says, "Yes, I am the vilest offender." वो कहता है, सबसे, वो सुनता है, सबसे नीच अपराधी। वो कहता है, हाँ जरूर, मैं वो सबसे नीच पापी हूँ। He acknowledges that.
वो उस बात को तो मान लेता है। And he hears the vilest offender who truly believes. फिर उस गीत में वो सुनता है कि सबसे नीच सबसे बुरा पापी जो वास्तव में विश्वास करता है। That moment from Jesus, a pardon receives. उसी समय वो यीशु मसीह से माफी प्राप्त करता है। Oh, that's all I got to do. वो कहता है, अच्छा, बस मुझे इतना ही करना है। Just believe in Jesus. I believe. बस मुझे यीशु में विश्वास करना है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। In him as the Son of God, he died for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे पापों के लिए मरा। Is he forgiven? क्या उसके पाप क्षमा हुए हैं? Not if he's not repented. नहीं, अगर उसने मन नहीं फिराया तो उसके पाप क्षमा नहीं हुए। So the vilest offender who repents and believes. और इसलिए सही गीत होना चाहिए सबसे नीच पापी जो मन फिराता है और विश्वास करता है। Now many people say, well, that's the meaning of truly believes. कई लोग कहते हैं कि सच्ची में विश्वास करने का मतलब ही यह होता है कि मन फिराना और विश्वास करना। But that's a theological explanation which that unconverted, godless sinner doesn't know. पर यह केवल एक सिद्धांतिक समझाना हुआ व्याख्या हुई जो वो भक्तिहीन नया जन न पाया हुआ पापी नहीं जानता। He must be told he has got to repent. उसे बताया जाना चाहिए कि उसे मन फिराना है। And that's what the apostle Paul, Peter made it clear. और यही प्रेरित पत्रस ने बिल्कुल साफ कर दिया था। On the day of Pentecost, Pentecost के दिन उसने कहा मन फिराओ। And that's what Paul said he preaches everywhere. और यही पौलुस ने भी कहा कि हर जगह वो यही प्रचार करता है। In Acts chapter 20, he says, I preach Acts 20 verse 21 two things. प्रेरितों 20:21 में पौलुस कहता है कि मैं प्रचार करता हूं दो बातों का। Repentance and faith. मन फिराओ और विश्वास। In our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। Repentance towards God. परमेश्वर के प्रति मन फिराना। Not towards prosperity. समृद्धि के प्रति मन फिराना नहीं। Healing. या चंगाई के प्रति मन फिराना नहीं। No. नहीं। It's not I'm not turning away from sickness to healing. ये नहीं कि मैं बीमारी से मुड़कर चंगाई की ओर मन फिराता हूँ। I'm not turning away from poverty to prosperity. या मैं गरीबी से मुड़कर अब समृद्धि की ओर मन फिराता हूँ। नहीं। Oh, that is a false gospel that's being preached today. वो एक झूठा सुसमाचार है जिसका आज प्रचार किया जा रहा है। It says here I'm repenting towards God. यहाँ लिखा है कि मैं परमेश्वर की ओर मन फिराता हूँ। From everything. That was against God in my life. उन सारी चीजों से जो मेरे जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध थी। And faith in our Lord Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। The same thing Paul says when he writes to the Thessalonians. यही चीज पौलुस फिर एक बार कहता है जब वो थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र लिखता है। In 1 Thessalonians and chapter 1. पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय। He says, "We, the word of God came to you." And you have turned to God, 1 Thessalonians 1 and verse 9. पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय नौवां वचन वो कहता है कि जब परमेश्वर का वचन तुम पर आया और तुमने परमेश्वर की ओर मन फिराया। You have turned or repented towards God away from idols. वो कहता है कि तुमने कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर मन फिराया। To serve a living God. और जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। What is an idol? एक मूर्ति क्या है? An idol is anything that takes the place of God in your heart. एक मूर्ति वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपके हृदय में परमेश्वर का स्थान ले लेती है। It could be your health. शायद आपका स्वास्थ्य हो सकता है। It could be your wealth. आपकी संपत्ति हो सकती है। It could be your job. It could. आपकी नौकरी। It could be your house. It could be your car. आपका घर, आपकी गाड़ी। It could be your wife. It could be your children. आपकी पत्नी, आपके बच्चे। It could be anything that takes the place of God in your heart. कोई भी चीज जो आपके हृदय में परमेश्वर का स्थान ले लेती है। Like Isaac took the place of God in Abraham's heart. जैसे इसहाक ने अब्राहम के हृदय में परमेश्वर का स्थान ले लिया था। To tell him to get rid of that idolatry. और परमेश्वर को अब्राहम से बताना पड़ा कि कहना पड़ा कि उस मूर्ति पूजा को वो दूर करे। Turn to God from idols. मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरे। That's repentance. Turn to God from everything that prevents God from being up. First and uppermost in your heart. That is वो है मन फिराओ कि हम उस किसी भी चीज से मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े जो परमेश्वर को हमारे जीवन में पहले स्थान में होने से रोकती है। The meaning of seek the kingdom of God first. यही मतलब है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करने का। And his righteousness. और सबसे पहले उसके धर्म की खोज करने का। And our earthly necessities, Jesus promised in Matthew 6:33. Will be added to us. और हमारी पृथ्वी की जो आवश्यकताएं हैं, यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में हमें वायदा दिया कि वो हम में जोड़ दी जाएगी, हमारे लिए वो उसी में जोड़ दी जाएगी। You can be absolutely sure that you'll never lack earthly necessities, even if you never become a millionaire. आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि आपको कभी भी आपके पृथ्वी की आवश्यकताओं की कमी नहीं महसूस जरूरत होगी, यद्यपि आप एक करोड़पति न हुए फिर भी। Thank God for that. परमेश्वर को हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Make sure your earthly necessities
are added to you if you seek God's kingdom first. वो परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपकी पृथ्वी की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो आप में जोड़ दी जाएगी अगर आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो. This is the way every Christian should live. ये तरीका है हर मसीह कैसे हर मसीह ने जीना चाहिए. It's a very sad thing today when Christians think. ये एक बहुत ही दुख की बात है आज जब मसीह ये सोचते हैं. Material prosperity and physical healing are the marks of God's blessing. कि इस सांसारिक समृद्धि और शारीरिक चंगाई परमेश्वर के आशीष का चिन्ह है. That cannot be true because there are a lot of non-Christians who have a lot more material prosperity and a lot more physical health. ये सच्चाई हो ही नहीं सकती क्योंकि कई ऐसे अन्य जाति लोग हैं जो मसीह नहीं हैं, जिनके पास हमसे भी ज्यादा सांसारिक समृद्धि है, सांसारिक पैसा है, उनके पास हमसे भी ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य है, कई आत्मा से भरे मसीहों से भी ज्यादा उनके पास है. That itself proves that that's not the gospel. यही बिल्कुल साफ और साबित कर देता है कि ये सुसमाचार हो ही नहीं सकता. But they don't have freedom from sin. पर उनके पास पाप से छुटकारा नहीं है. Like a true disciple has. जैसे एक सच्चे शिष्य के पास होती है. So repent. और इसलिए मन फिराए. Message that Jesus proclaimed first, and that we need to keep proclaiming. मन फिराओ ये संदेश है जो यीशु मसीह ने पहले प्रचार किया और जो हमें भी प्रचार करते ही रहना है. Teach them to do all that I have taught. What did he teach? उन्हें वो सब करना सिखाओ जिसकी आज्ञा मैंने दी. और उसने क्या हमें सिखाया? Turn around from sin. पाप से मन फिराओ. Towards God. परमेश्वर की ओर फिरो. And open your heart to the kingdom of heaven that you're. और अपने हृदय को परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए खोल दो. Mind is set now on things above. कि अब आपका मन जो है वो ऊपरी चीजों पर, स्वर्गीय चीजों पर लग चुका है. On the things of God, righteousness. परमेश्वर की चीजों पर आपका मन लग चुका है, धार्मिकता पर, peace, शांति and joy, और आनंद in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, जब हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, we pray that the truth and reality of these words that we have just heard. हम प्रार्थना करते हैं कि जो शब्द हमने अभी-अभी सुने हैं, उसका सत्य, उसकी वास्तविकता may become our personal possession. हमारे व्यक्तिगत अनुभव बन जाए. In the days to come. आने वाले दिनों में. That it will not be just knowledge in our minds. कि ये सारी चीजें हमारे मन में केवल ज्ञान नहीं रहेगी. But sink into our hearts. पर हमारे हृदयों में बैठ जाएगी. The kingdom of God will be there. कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य वहां होगा. We pray in Jesus name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमेन.